टाइम लग रहा है इसको काटने में, अभी बाकी है और भी। अभी नार बांध लिया है, अभी घर ले जाना है मुझे, तो अभी ऊपर चलते हैं लकड़ी काटने। कुराड़ा रख दिया मैंने, आरी बारी हुई है सब। हेलो एवरीवन, नमस्ते, दिस इज विपिन रोथान। आप देख रहे पहाड़ों के निशान रेडियो से विपिन रोथान ब्लॉग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और धूप भी आ चुकी है। मैं अभी यहाँ ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे खेत हैं, वहाँ से मैंने न्यार लाना है। चलो आगे चलते हैं। और आज मस्त वाला मौसम है, देख सकते हो धूप लगी है अच्छी वाली। और आगे चलते हैं, यहाँ से सीधे सामने पहाड़ दिखते हैं, उसके बाद मैंने वहाँ जाना है। घर के ऊपर पर एक एक सूखा पेड़ था, कल हमने वो काटा और आज पूरा काट लेंगे। पहले यहाँ चलते हैं ऊपर, वहाँ से न्यार लाते हैं, उसके बाद लकड़ी काटने के लिए जाएंगे। यहाँ से मस्त व्यू दिखता है, सामने पहाड़ है। और अभी खेतों पर सूखा न्यार है, कई लोगों ने तो काट लिया है। यहाँ पर देखिए, कई लोगों ने काट लिया है सूखा न्यार, ये है। अभी कहीं कहीं ने नहीं काटा है। यहाँ पर एक आड़ू का पेड़ है, ये वाला। चलो आगे चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, इससे ले जाना है मुझे न्यार घर तक। चलो आगे देखते हैं। चलो अभी न्यार निकाल रहे हैं। तो अभी इस खेत में हमारे जो बूत रखे हैं, ये जो हैं, ये सारे यहाँ पर, सबके यहाँ पर जो बूत रखे हैं ये। अभी न्यार निकाल दिया है आधा। आजकल बहुत ज़्यादा कुम्मर होते हैं जो हमारे पैरों पर लगते हैं, और सारी जगह होते हैं, सारी जगह ही आपको मिलेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर आधा हो चुका है न्यार। ये वे किलो ही तिलान वही, तो इतना ही ले जाऊंगा मैं। उसके बाद मैंने लकड़ी काटने भी जाना है अभी। चलो आगे देखते हैं। अभी न्यार बांध लिया है, अभी घर ले जाना है मुझे, रेडी हो चुका है। ये देखिए, चलो इसको घर में ले चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो अभी मैंने ये यहाँ पर रख लिया, तो अभी घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं अभी। तो अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, तो अभी ऊपर जाना है लकड़ी के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं लकड़ी काटने। कुराड़ा रख दिया मैंने, आरी बारी हुई है सब। तो आगे चलते हैं, कल हमने आधा काटा था, तो आरी वारी वही है। चलो आगे चलते हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं, और यहीं पर है हमारी आरी रखी हुई। यहाँ पर एक छानी है, यहाँ पर रखी थी हमने कल आरी वारी। और यहाँ इधर साइड है हमारे लकड़ी काट के रखी हुई, कल हम वहाँ से लाए थे आधा, यहाँ पर रखे हैं, इस वाली छानी में रखे हैं हमारे आरी रखी हुई। अभी निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पर। तो अभी चलते हैं, ये रख लिया मैंने दो कुल्हाड़े।
यहीं पर है, थोड़ा सा जाना है यहाँ से आगे। आ चुके हैं, ये वाला है, ये बड़ा भी इतना ही काटा है, बहुत बड़ा था यहाँ पर, था ये यहाँ पर था, ये पर यहाँ से काटा हमने, सूखा पेड़ था ये तो। और यहाँ पर पता नहीं किसकी छानी है, टूट रखी पुरानी। चलो अभी दादा आते हैं, उसके बाद काटते हैं उसको। तो अभी हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, अभी एक ही टुकड़ा किया है, यहाँ पर है वो हमारा रखा हुआ, अभी तो बहुत है। चलो आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है इस पर, अभी तो एक ही टुकड़ा किया है और वो हमने वहाँ रख लिया है। तो अभी 12 बजने वाले हैं और अभी भी इसके छोटे टुकड़े नहीं हुए हैं, यहाँ पर एक इसका कर रखा है, ये आर इसे यहाँ से इसे तोड़ काट रहे हैं कुल्हाड़ी से। और एक यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत लंबा है ये, और ये आ रही है इससे काट रहे हैं हम, दो कुल्हाड़ी हैं हमारे पास। चलो आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको काटने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको काटने में, अभी बाकी है और भी, देखते हैं आगे कब तक कटेगा ये। चलो आगे देखते हैं, अभी दादा और आगे हैं। हमारे यहाँ पर पानी भी ला रखा है, थकान लगी तो पानी पी लेंगे, यहाँ पर रखा है। यहाँ पर शायद पहले लोगों के खेत रहे होंगे, यहाँ पर खेत है बने हुए ये, तो ये पुरानी लोगों की छानी रही होगी, ये वाली टूटी हुई है, पता नहीं कैसे टूटी। तो अभी हमने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं, ये हैं कुछ, यहाँ पर है कुछ, धूप पर ले चुके हैं, यहाँ पर छाया आ चुके हैं तो धूप पर ले गए हम, इधर साइड ले चुके हैं हम धूप पर। चलो इनको भी ले चलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रखे ये, इनको ले चलते हैं वहाँ पर। अब एक ही टुकड़ा बचा है उस पर करने के लिए, वो भी हो चुका है, अब उसे हाथी से काट रहे हैं, अभी ये वाला बचा है बड़ा वाला यहाँ पर। चलो इसे ले चलते हैं बंद कर। तो अभी वहाँ से हम नीचे आ चुके हैं घर पर, वहाँ पर हमने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े किए थे, वो उनको लेने के लिए हम दूसरे दिन जाएंगे कभी। तो अभी मैंने खाना खा लिया, तो अभी रात हो चुकी है और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको ऐसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।